उठ गए हैं, पानी वानी सबने लगा दिया है, कपड़े हो रहे हैं प्रेस जाने के लिए, उत्तरी जो पहन के जाने हैं। सीरी सबके पैकिंग नहीं हुई है, लास्ट मिनट तक रखा हुआ है इन्होंने कि मैं पैक करूंगा। गुड मॉर्निंग सीरी साहब। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक? ठीक ठाक है। कर लो पैकिंग, अब देखो क्या लेके जाना है। तो बहुत दिनों बाद आज 6 बजे मैं उठ गया हूँ, बिकॉज वी हैव टू गो। यार ये प्री प्लान था पहले से, इसकी पिछले मंथ हमने बुकिंग करा रखी थी। वही था कि विकी वेयर का ऑफ था एक हफ्ते का, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे कि ये डेट्स हैं, तो हमने एक जगह बुक कर दी थी। ये अलोहा ऑन द गैंजेस है और इस पर मैं, विकी वेयर की फैमिली, अंकुश द हाउस द जोशी और दिव्या, हम लोग सारे एक साथ गए थे एक बारी, आज से कुछ 4-5 साल पहले शायद, आई थिंक बच्चे बहुत छोटे होते थे, हाँ 5 साल ही हुए होंगे। और हमने सेम ही जगह बुक करी क्योंकि अच्छी जगह है वो, इट्स गुड प्रॉपर्टी, वो बेसिकली सर्विस अपार्टमेंट्स की तरह हैं। बस अभी निकलने वाले हैं, फ़ोन हो गया है, पता चल गया है कि वो लोग उठ चुके हैं और हम लोग भी तैयार हैं, बस अब निकलने की तैयारी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जल्दी से अपने गाड़ी में बैठते हुए, ठीक है, और दादाजी से मिलते हुए। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, बर्थडे सरप्राइज। बर्थडे सरप्राइज है आपके लिए, चलो तैयार हो जल्दी से फटाफट, फिर बताएंगे क्या बर्थडे सरप्राइज है आपका। आपको बताएंगे नहीं, आपको मिलते जाएंगे बस, ठीक है। मुझको ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा, गिफ्ट नहीं रखे हुए हमने, जो मुझको ढूंढना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज, अरे ये कहाँ खिंचा रहे मुझे, अरे कहाँ बात हो रही है, क्या हो रहा है, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। आर यू रेडी फॉर इट? हैप्पी ब्रशी करे, ब्रशी चलो गेट अप जल्दी से, आ जाओ ब्रशी करते हैं। गुड मॉर्निंग सीरीज, आप ढूंढते हुए अपनी जैकेट्स पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मिला तो है कुछ, लेट्स सी। सीरीज साहब ने कहाँ रख दिए, देख रहे हो इस सीरीज साहब? नहीं मैंने, भाई इतना सर्दियों का सामान रखा है, सब पता नहीं कहाँ कहाँ रखा है, ये मिल तो गए हैं तुम्हें, इसमें से निकाल लो। रिदा के भी मैंने यहीं से निकाले हैं, स्वेटर है ना ये जैकेट, ब्लैक स्वेटर निकाल लो ना, ये ब्लैक था आपके हाथ में, नहीं ये जेट रेवेस का स्वेटर। अरे वहां पे ठंडी होती है। रिदा के लिए तो सरप्राइजेस आ रहे हैं, रिदा को पता नहीं लग रहा है। रिप्सी सिटिंग देयर। गुड मॉर्निंग, आज मम्मा का पूर्णमासी का व्रत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? क्या बन रहा है? चूरमा। और माला जी ने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर दिया है जी। मैं कह बर्थडे के लिए देखो ट्रिप पे ले जा रहा हूँ, तो कह रही है ठीक है पापा इस बर्थडे पे ना फिर कोई कुछ और नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक केक कटिंग और कुछ थोड़े फ्रेंड्स बुला लूंगी। तो मैंने कहा बेटा वो बर्थडे पार्टी ही होती है, कह चलो वो भी फिर हटा दो, सिर्फ केक कटिंग और आप मेरे साथ पूरे दिन खेल लेना बस। मैंने कहा बढ़िया, अब नया पापा लाना पड़ेगा खेलने के लिए। यू? ये वाला पापा तो ऑफिस जाएगा। सर गुड मॉर्निंग। माला दीदी कहाँ टक्कर खा रही हो? चलो दादू से बाय बाय, रिची से बाय बाय दादू। चलो जी ओके है जी, सी यू बाय बाय। मेरा बच्चा बाय बाय, सी यू, सी यू। तंग नहीं करना पापा मम्मी को, और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बच्चा। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोले सोनेहा सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा slowly. ओए होए ओए होए ओए होए,
इतना प्यार, इतना प्यार। सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? रिदा को तो पता ही नहीं था, अब तक यहाँ तक नहीं पता था, मतलब आपकी गाड़ी देखी तब उसको चला के जा रही। और ये हमारा फेवरेट शॉट एट द पेट्रोल पंप, टैंकी फुल होते हुए, और देखते हैं आज कितने की चपट लगती है। ट्रिप पे चपट तो लगती है, तो भाई ने जीरो से स्टार्ट कर दिया, एंड लेट्स सी कितनी चपट में आते हैं हम। थोड़ा सा पिलोस भूल गए थे तो हमने भाभी को बोला है वापस जाके माला से लाने के लिए, माला नीचे दे जाएगी उनको, तो बस अब वो थोड़े से पिलोस लेके आएंगे और फिर वी मीट अगेन। सो लग गई है 2800 की शुरुआत, और अंदर देखो दोनों खेल रही हैं। हाँ जी एक्साइटेड, चश्मे चश्मे पहन के तो एकदम से तैयार हो जाती है जान। सो हम रुक गए हैं ओल्ड राव होटल, और लेडीज जा रही हैं पिसी करने के लिए जा रही हैं लेडीज, और इधर भी 2 लेडीज बैठी हैं मेरे साथ, वो कर रही हैं पेंटिंग। चुका है दोस्तों। सर जो आप ये चश्मे पहन लेते हैं, आप मुझे इतने हैंडसम लगते हैं ना, मतलब मेरी नजर नहीं हटती आपसे, मैं क्या बताऊं, मतलब ये चश्मे को तो जड़ी अक्ल बंद हो जाती है मेरी नजर नहीं आती। हां मैं बहुत शोर लग रही सब। मम्मा प्लीज कर, नहीं नहीं वैसे ही है, पता नहीं, आई एक्चुअली लाइक यू व्हेन यू वेयर दीस ग्लासेस। चिपकवा लेता हूं ये मैं फेविक्विक से। ठीक है चिपकवा लो। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया कर दो गर्ल्स। सारी की सारी जनता बाहर निकली हुई है, जाम लग रहे हैं, बुरी हालत है भाई, बुरी हालत है एक्चुअली, ट्रैफिक बहुत हो रखा है। आई थिंक ये 4-5 जगह ही रह गई है ना दिल्ली के पास, जहाँ पे 2-3 दिन में लोग भागते हैं, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, और उस साइड चले जाओ तो शिमला, सोलन, सोलन में भी कुछ और कसौली। हाँ कुछ है नहीं खास देखने लगने लगे, बस ये कि रिलैक्स कर सकते हो आप जाके, बस 2 दिन रिलैक्स, क्योंकि घर में तो रिलैक्स नहीं कर पाते ना, एसी भी लगे हुए सब कुछ, लेकिन बाहर जाके रिलैक्स करना जरूरी, जब तक लग ना जाए ना वो नोट नहीं लगता, जब तक वो रिलैक्सेशन नहीं आती, सही बात, हमारी ये माइंड में ब्लॉक है। अच्छा जब तक नोट नहीं लगे तब तक रिलैक्सेशन नहीं, पर मैं तो घर पे भी रिलैक्स ही कर रही हूं। नहीं तुम तो चलो, तुम्हारे वो तो किस्मत की बात है, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। हां हां मैं तो घर पे भी क्योंकि रिलैक्स ही कर रही हूं। हां तुम तो मतलब इसी काम के लिए भेजा मेरे तो रब ने सोने दे पेन दे नाल लिखी है किस्मत है ना, कि मतलब रिलैक्सेशन ही है। हां सही गल है, आई एंड मी होता है बहुत करते हैं दोस्त, यू आर नॉट द ओनली वन। हां ये भी ठीक बात है, या ये तो मुझे पता है काफी लोग एनवी करते हैं। हां सबसे पहले तो हस्बैंड ऐसा मिला, अरे ये बंदा सबसे बड़ी बात के लिए करता है कि ऐसा बंदा, इतना बड़ा, इतनी लड़कियां चाहती हैं बट मिलता नहीं उन्हें, टीटी लड़कियां चाहती हैं बट उनको मिलता नहीं है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है। फिर उसके बाद ऐसा घर, ऐसे इन लॉज, फिर उसके बाद मतलब ऐसा मॉल तुम्हें मिला हुआ, ऐसे रिच फैमिली में तुम्हारी शादी हुई, कुछ करने की जरूरत, उनके बेचारे कानों से खून निकल रहा है, चल सुन रहे हैं ना। क्यों? अरे आप बच्चों को देख लो, हमारे बच्चे सो चुके हैं, एक उधर एक इधर, दोनों पड़े हैं, और हम लोग जा रहे हैं, इनकी तो चलती रहेंगी ये वाणियां इनकी। आओ जी राव, राव गाइस देखो राफ्टिंग देखो रेदा, व्हाट अ व्यू, आओ रेदा कम सी राफ्टिंग क्या होता है, वो देख रहे हो कितनी सारी बोट्स आ रही है, इधर इधर नहीं बालकनी वाले रूम में ना, वो इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, हां गिव यू अ डू, डोंट वरी, मत लेट्स गो राइट नाउ, तुम्हे
तुम्हें दोनों को कोई एक कमरा नहीं मिल रहा, लेट सेट आर क्लोथ। सो वी हैव रीच्ड गाइस एंड आई वांट टू शो यू द व्यू फ्रॉम द रूम्स। इज द बालकनी विच इज अटैच्ड विद यू नो दोनों कमरों के साथ अटैच है। सो दिस इज एन अपार्टमेंट और ये है व्यू। वहाँ पे हो रही है राफ्टिंग एज यू ऑल कैन सी और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, अच्छा लग रहा है। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं पूल पे और मेरे साथ हैं शिखा भाभी और व्यू तो भाई अमेजिंग है। पीछे देख गंगा रिवर दिख रही है और वहाँ पे हो रही है राफ्टिंग और यहाँ ये है पूल और पूल से ही हम जाएंगे सीधा गंगा में। और ये हमारा फोन बज रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। पूल से सीधा गंगा में जाएंगे। हेलो सरी साहब। हेलो, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, चलो कम जा रहा है। यस यस कम। फोटो तो खिंचवा रहे हैं। हां फोटो खिंचवा लो, फोटोज भी जरूरी है ना। हम आ गए हैं पूल में, मजा आ रहा है भाई। बहुत ठंड है और सूरज चला गया है और ये बहुत ठंडा है। पूल विद व्यू है। हां व्यू, पूल विद व्यू। हां इंफिनिटी पूल है ये और नीचे बिल्कुल गंगा दिखती है और इतना बढ़िया है ना मौसम। और बहुत ठंड चढ़ रही है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, थैंक यू शिखा भाभी। शिखा भाभी नहीं आ रही पूल में तो हमारे पास एक आदमी है जो शूट कर पा रहा है। yes. तो हम दोनों फ्रेम में आ पा रहे हैं, थैंक यू। और इसकी इसकी कमीशन लेने वाली हूँ। हाँ, कमीशन आप ले लेना। हाँ। दन, दन। पूरे 120 रुपए। हाँ जी। सन का वेट हो रहा है, ये बैठे हैं देखो बाशिंदे कैसे सूरज का वेट करते हुए। मैं तो बाहर निकल आई हूँ बट ये लोग इंतजार कर रहे हैं और सन आ रहा है धीरे धीरे करके। हेलो दोस्तों, तो हम नहा के आ गए, हम नहीं मतलब मैं नहा के आ गए और सेठी साहब अभी ऐसे गीले घूम रहे हैं, खाना खा लिया इन्होंने और मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि मैं कम कपड़े लेके आई हूँ। मेरे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मैंने सेठी साहब की टी शर्ट पहन लिया, ऊपर सेठी साहब का स्वेटर पहन लिया, नीचे मैंने अपने सूट वाला पजामा पहना है। मैं पजामे पजूमे लाके ही नहीं आई, मैं भूल गई पजामे घर च ही, मैनू याद नहीं रहा पजामा भी रखना है। मैं फिर लिखा नहीं कोई पजामा, हूं मैं जाके बाहर खाना खान लगी है। हमने मंगाया हुआ है चाइनीज नूडल्स नूडल्स, तो देखते हैं कुछ तो जाके खाते हैं। ये हमारे पायलट साहब खाने पे जुटे हुए हैं। बढ़िया, ठंड लग रही थी। ठंड लग रही है क्या? आगे गर्मी आई। खाना ना लिया? सब कुछ पैक था, एक खाका नूडल्स जो हमने नहीं खानी थी। और अब हमने देखा सब सब खा रहे हैं तो हमने कहा हम भी सब सब खाएंगे। ये देखो ये बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये बच्चों को पठान के गाने दिखाए जा रहे हैं ऐसे और हम वो भी खा रहे हैं। सो खाना वाना खा लिया है, मैं आ गई हूँ। आधा व्लॉग मैंने गाड़ी में एडिट किया था, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट द व्लॉग एंड देन आई विल बी पुटिंग इट। लेट्स से यहाँ से अपलोड होता है कि नहीं। सो पूरी पब्लिक सेट है और निकल रहे हैं हम लोग डिनर के लिए। मेरे दो बच्चे, दो बच्चे देख लो कैसे वो बने हुए हैं, इग्लू में रहने वाले एस्किमो। हाँ तो बस अब हम निकल रहे हैं तपोवन। कौन से कैफे जा रहे हैं? तत्वा कैफे जा रहे हैं डिनर के लिए। तो हमने सोचा था कि हम पैदल जाएंगे, हमने ऐसा सोचा था बट अब हमने कमरे से निकल के हमने बस अब हमारे लिए बोइंग आया है। हाँ अब हमने गाड़ी ही निकाल ली है। सो हम आ गए हैं तत्वा कैफे और ये हमें तब से याद है जब हम लास्ट टाइम आए थे अंकुश के साथ और दिव्या के साथ। तो हमने यहाँ पे खाना खाया था और प्योर वेजिटेरियन है और इतना अच्छा खाना है ना, इटालियन मेक्सिकन और आई थिंक चाइनीज आल्सो और अब तो ये इंडियन भी देने लग गया है, तो इट इज़ सो नाइस। और यहाँ से आप देखो, आपको शायद अगर दिख रहा हो वो दिख रहा है बीच में आई थिंक या वो जो येलो लाइन दिख रही है बेसिकली, सो दैट इज़ लक्ष्मण झूला एंड बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो ये कैफेज बड़े अच्छे हैं। पिज्जा चल रहा है मार्गरिटा। सो गाइस वी ऑर्डर्ड पास्ता, फलाफल ऑर्डर किया था, एग्गी उल्यू ऑर्डर किया था बट खाना इतना अच्छा है कि हम बस खाने में मस्त हो गए, मगन। अमेजिंग खाना। हाँ भाई सब खाना वाना खा लिया इतना सेक्सी सा और उसके बाद ना अभी वैसे हम पास कर रहे थे और हमारा मन हो गया कि हॉट चॉकलेट और कुछ मीठा खाया जाए, तो हम यहाँ आ गए हैं। ये है बेकरी शॉप और ये है तत्वा कैफे के बहुत पास, इसके राइट ऑपोजिट है सराय होटल कैफे, वो सामने, ठीक है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ज़रूर आना इस जगह पे, लगती छोटी जगह है और जब आप ऊपर चढ़ के आओगे आपको लगेगा नहीं इतना खास नहीं होगा। इनका मैंने बिस्कॉफ चीज़ खाया है, पेस्ट्री एक, ओ हो हो हो, हाँ हाँ
मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने भाई क्या कर दिया, इतना स्वाद था ना, इतना स्वाद कि वो हिसाब नहीं। और हवा देख रहे हो अब क्या चल रही है, वो इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे। अभी बच्चों को हॉट चॉकलेट पिलाया है और हमने बिस्कॉफ चीज़ खाया है। बस अभी हम गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे अपने होटल वापस, फिर उसके बाद हम चारों बैठेंगे क्योंकि बच्चों को आ रही है बहुत नींद। तो हम चारों बैठ के थोड़ा बहुत, मैं शायद आज वो भी लाया हुआ हूँ क्या बोलते हैं सीक्वेंस, तो अगर ये सीक्वेंस खेलना जाएंगे तो सीक्वेंस खेलेंगे, नहीं तो हम लोग बैठ के आराम से फन करेंगे। फिर मिलते हैं आपको, ठीक है, चलो।